नमस्कार, मैं शेफाली मिश्रा स्वागत करती हूं आपका अखंड भारत न्यूज़ में। भारत एक ऐसा देश जहां एक ओर कृष्ण और अर्जुन जैसे वीरों का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर कर्ण और दधीची जैसे महादानियों का भी। जहां एक बाप कन्यादान पर अपनी संतान को दान करता है, वहीं कुछ लोग दूसरों की खुशियों के लिए, समाज की खुशियों के लिए अपने अंग तक दान कर देते हैं। ऐसे ही एक महादान की मिसाल बने रायबरेली निवासी कृष्ण मुरारी मिश्रा। कुदरत के सामने किसकी चली है, जिंदगी के बाद मौत इसे कौन बदल सकता है, लेकिन मरकर भी लोगों में अपने वजूद को जिंदा रखना बहुत ही कम लोगों के बस की बात होती है। रायबरेली के एक परिवार में अपने बेटे को खो चुके माँ और पिता ने कुछ ऐसा किया, उसके बाद बेटा मरकर भी आज लोगों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के एक सरकारी मुलाजिम कृष्ण मुरारी मिश्रा जी की। आपको बता दें, 2 जनवरी को इनके बेटे निवेश मिश्रा का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। 26 दिनों तक लखनऊ के ट्रामा सेंटर में मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा उनका बेटा। इसके बाद आखिरकार जिंदगी की हार हुई और डॉक्टर्स ने माँ और पिता से बेटे के मृत शव को ले जाने को कहा। ऐसे वक्त में भी अपने बेटे को के शव को ले जाने के बजाय उन्होंने उसे पहले उसके अंगदान का फैसला कर लिया। ये हमारा भतीजा है, 2 तारीख को ये दुसौती से आ रहा था, किले से आ रहा था, दुसौती के पास इसका रोड खराब, रोड में गड्ढे होने की वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद ये कोमा में चला गया, वहीं से कोमा में जाने के बाद फिर यहाँ से लखनऊ जी फिर गया। लखनऊ में ट्रामा सेंटर में एडमिट था, 26 दिन वेट किया गया कि शायद कोमा से बाहर आ जाए। ना आने के बाद फिर लड़के के पिताजी और माता जी सब लोगों ने निर्णय लिया कि अब इसका शरीर तो हमारे किस काम का रहेगा नहीं, तो इसके द्वारा जिससे समाज का भला हो जाए लोगों का, तो इन्होंने अंगदान कर दिया। जिस बच्चे को अपनी गोद में खिलाया हो, उसके अंगदान जैसे बड़े फैसले में माँ बाप को दहल जाना चाहिए था, मगर अपनी सूझबूझ के साथ एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने कई और जिंदगियों को सवार दिया और एक बड़ी मिसाल कायम की। हम गर्व करते हैं ऐसी जननी पर, हम गर्व करते हैं ऐसे पिता पर।